Good afternoon, sit down. I am good, sir. How are you? I am fine, and you? Mahima, stand up. Or, क्या बोलते हैं? श्वेता, stand up. अच्छा ये बताओ फोर्थ ट्वेल्थ में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? इधर मैडम जी ने क्या पढ़ाया था? एलिमेंट्स के बारे में. एलिमेंट्स क्या बता सकते हो आप लोग एलिमेंट्स के? यस सर. सिंबल्स को? यस सर. बता सकते हो? यस सर. आइए तो पहले बताइए एलिमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी दीजिए. आई रीड इन क्लास 8 इंग्लिश मीडियम. तो मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ एलिमेंट्स के बारे में. रुको. में जो दिव्यांश भैया ने रिवीजन करा जो पढ़ा के गया है एलिमेंट्स के बारे में उसे हम आप लोगों को फिर से रिवीजन कराने जा रहे हैं. एलिमेंट्स एलिमेंट्स के थ्री पार्ट जैसे पहला है सिंबल. सेकंड है एटॉमिक नंबर और थर्ड है एटॉमिक मास. तो फर्स्ट है हाइड्रोजन. फर्स्ट है हाइड्रोजन. इसका सिंबल है यच. इसे हम पहला लेटर जो सिंबल में इसका यच ही मानेंगे हम. यच ही होता है तो इसे पहले कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं हम. तो इसका सिंबल यच है इसे हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे. और इसका एटॉमिक नंबर है फर्स्ट. और इसका एटॉमिक मास है वन. इसका वन ही है. और दूसरा हीलियम. इसका सिंबल है एच ई. फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर आ गया तो उसमें हम स्मॉल कर देंगे. और इसका एटॉमिक नंबर टू. और एटॉमिक मास इसका हम दोगुना कर देंगे. टू टू जा फोर. लेकिन एट क्लास तक ही इसे दोगुना करेंगे. और अगर नाइन्थ टेंथ है टेंथ तक हम चले गए तो इसे दोगुना नहीं कर सकते हैं. जो इसका सीरियल वाइज रहेगा उसी को हम पढ़ सकते हैं. तीसरा लिथियम. इसका सिंबल है एल आई. और एटॉमिक नंबर थ्री. और एटॉमिक मास 3 3 9. और फोर्थ नंबर बेरिलियम. बेरिलियम बेरिलियम को हम बी ई से प्रदर्शित. और इसका एटॉमिक नंबर 4. और एटॉमिक मास 4 4 2 8. इसका डबल कर दिया. ये बताया था दिव्यान तभी तो होगा सेवा है. हां सही है. ऐसे रुक नहीं है कर सकते हैं. चलिए इसको आप आइए. अच्छा उस दिन आप नहीं आए थे. नेक्स्ट रिया प्लीज कम हियर. क्या इन्होंने सही लिखा है? यस सर. इसमें कोई गलती? कोई गलती? और कोई गलती? डबल एल. हाँ सही है. एक प्लस जोड़ सकते हैं. ये बताओ ये सही है? यहाँ पर मैम 3 2 जो इसका दुगना करेंगे फिर प्लस 8 भी कर सकते हैं. यहाँ पर 7 भी हो सकता है. और यहाँ पर 4 2 जो 8 होगा और प्लस 8 भी कर सकते हैं. 9 भी हो सकता है यहाँ पर. हाँ.
थैंक यू, इनके लिए ताली। आगे इसका दोगुना करेंगे तो टेन हो जाएगा। इसको इसको इसमें प्लस एक भी जोड़ सकते हैं, इलेवन भी हो सकता है। अच्छा इसमें प्लस एक जोड़ सकते हैं, वन जोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, 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 उसमें नहीं, इसमें नहीं आएगा ना। इक्वल टू और आगे सिक्स नंबर पे है कार्बन। अभी आप इसको ना लिखिए और बच्चों से पूछा जाए। इसको बताओ किससे प्रदर्शित किया जाएगा? सी से। सी से। हैं? सी से। कार्बन को सी से। सी से। और इधर रुक जा। को बताइए एटॉमिक नंबर सिक्स। सिक्स सर। हैं? सिक्स सर। सिक्स आएगा। चलिए इसमें प्लस एक भी ऐड कर सकते, तेरह भी हो सकता है। तेरह चौदह दोनों होगा। तेरह चौदह दोनों होगा, कैसे होगा बेटा? बढ़ो आई वही वही से। हाँ वही से दर्शा। इसमें भैया आप बोले तो दो दर्शाना है, तेरह चौदह दोनों होंगे। तेरह चौदह दोनों होगा। अब ये नहीं बताए थे क्यों होगा? नेक्स्ट इनके बाद, नेक्स्ट इनके बाद। हाँ चलिए आप आंसू। गुलशन प्लीज कम हियर। सबको जाना जरूरी है ना? यस मैम। एक बार आप लोगों को खुद रिपीट करना चाहिए। रुक जाओ। अच्छा कोई बताए इसका सिंबल? कौन बताएगा? राजकुमार खड़े हो जाओ। इसको एन से प्रदर्शित किया जाता है। एन से? एटॉमिक नंबर इसका 7 है। और एटॉमिक मार्क्स 14। क्यों 14 रहेगा? डबल कर दिया, डबल कर दिया जा रहा है एटॉमिक नंबर को। सही है गुलशन। चलो और 8 पे क्या आता है? सिट डाउन, ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अच्छा इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? प्रिंस प्रिंस स्टैंड अप। एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मार्क्स सही बोल रहे हैं? प्लीज सिट डाउन प्रिंस। नेक्स्ट पुष्पांजलि स्टैंड अप प्लीज कम हियर। आप लोग देखना कि क्या गलत कर रही हैं। क्लोरीन ए पुष्पांजलि। अच्छा बताओ इसका सिंबल किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ। और एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मार्क्स क्या ये सही बोल रही हैं? ऐसे ऐसे बताइए कितने होंगे? काउंटिंग करके नहीं, और आपको बताए होंगे ना पढ़ाते समय
कितने होंगे लगभग? मैक्सिमम कितने होते हैं? थर्टी बताए हैं भैया। भैया का नाम है? भैया ही कहते हो कि सर कहते हो? एक बार रिपीट करो आप शुरू से, सभी लोगों को बोलना। ये एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम एच से प्रदर्शित करते हैं। एटॉमिक नंबर है 1 और एटॉमिक मास नंबर है 1 फर्स्ट। सेकंड है हीलियम। हीलियम को हम सिंबल एच ई से कैपिटल रहेगा और स्मॉल ई एटॉमिक नंबर 2। अच्छा ये बताओ, अगर ई कैपिटल लगा दिया जाए तो सही है? नहीं, नहीं सही है ना। और आगे बताओ। उसके बाद इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई डबल करेंगे और हम उसमें 1 ऐड कर सकते हैं। और ऐसे भी सही है और वैसे भी करेंगे, वैसे भी सही है। हमारा थर्ड है लिथियम। लिथियम को हम एल आई से प्रदर्शित करते हैं एंड एटॉमिक नंबर है 3। इसमें भी हम वही डबल करेंगे और एटॉमिक मास तक हमारा इतना आएगा। एटॉमिक मास हमारा 6 आएगा और 7 भी आ सकता है 1 एटॉमिक। फोर्थ है बेरिलियम। बेरिलियम को हम बी ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 4। और 4 को एटॉमिक मास नंबर बनाने के लिए हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 8। और बोरोन, बोरोन को हम बी से प्रदर्शित और इसका एटॉमिक नंबर है 5। और 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी उसी तरह करेंगे और हमारा एटॉमिक मास नंबर आएगा 10। 6 नंबर पे है कार्बन। कार्बन को हम सी से प्रदर्शित करेंगे और एटॉमिक नंबर है 6 एंड इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 इसमें भी ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 12। 7 है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे और एटॉमिक नंबर आएगा हमारा है 7 और 7 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 14 एटॉमिक नंबर आएगा। और एक हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या ये सही बता रही हैं? देख लेना आप। यस मैम। यस मैम। सही है? यस मैम। चलिए अच्छी बात। वो से करेंगे और वो से करेंगे तो हमारा एटॉमिक मास नंबर आएगा 6 7। 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो का एटॉमिक नंबर है 8 और 8 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 16 और एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा 16। और 9 है क्लोरीन। क्लोरीन को हम एच से प्रदर्शित करेंगे और एटॉमिक नंबर हमारा हो जाएगा 9 और 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो हमारा एटॉमिक मास नंबर आ जाएगा 18। थैंक यू। नोबल गैस प्रेजेंट होते हैं जो ने कुछ नोबल गैस प्रेजेंट है। जो सेकंड नंबर हीलियम है इसे नोबल गैस कहते हैं, इसमें नोबल गैस रहता है। और इसमें 10 नंबर पे नियॉन आएगा और इसमें भी नोबल गैस है। तो इसमें से 10 में 2 ही नोबल गैस हैं, जो सेकंड हीलियम है और 10 नंबर पे नियॉन है। तो और आगे जाएंगे तो आएगा जैसे मतलब बहुत कम है, नोबल गैस सब में नहीं रहते हैं, बस 2-3 30 तक 3 में ही रहते हैं सिर्फ प्रेजेंट। तो अब 10 तक ही हमने लिखा है तो यहाँ पे सेकंड नंबर जो है सेकंड नंबर पर नोबल गैस पाया जाएगा और 10 नंबर पे जो नियॉन है नियॉन में भी नोबल गैस होता है। थैंक यू।